Hi guys, welcome back to another episode of Simplifying with Nishant. आज हम simplify करने वाले हैं negativity को. पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि negativity या negative thoughts होता क्या है. Negative thoughts और negativity basically आपके brain में chemical reaction है, जो या तो एक chemical called serotonin या दूसरा chemical called dopamine की कमी की वजह से होता है. अब ये सेरोटोनिन और डोपामिन क्या होता है? सो सेरोटोनिन आपके मूड रेगुलेशन के लिए जरूरी होता है, तो वो डिसाइड करता है कि आप खुश हैं या दुखी हैं या गुस्से में हैं या जो भी आपका मूड है उस समय पे. और डोपामिन आपके एक्साइटमेंट, आपके रिवॉर्ड्स, आपके मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है. सो सेरोटोनिन और डोपामिन की कमी के 3-4 मुख्य कारण है. लेट्स अंडरस्टैंड देम. अगर आपको इनफ स्लीप नहीं मिल रही है या आपको पर्याप्त नींद नहीं प्राप्त हो रही है, उस वजह से आपका डोपामिन एंड सेरोटोनिन कम होता है बॉडी में. जब आपकी बॉडी में बहुत ही एसेंशियल विटामिंस लाइक विटामिन B12, विटामिन डी या आयरन की डेफिशिएंसी होती है, तब भी ये इम्बैलेंसेस होते हैं. अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, जैसे थायराइड हो गया या अनीमिया हो गया, किसी प्रकार का दर्द हो गया, अगर ये आपके बॉडी में होता है तो भी इसकी कमी हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है. कुछ और रीजंस भी हैं इसके, जैसे कि एक्सरसाइज नहीं करना, आपकी सोशल लाइफ नहीं रखना या ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना. इन सब चीजों से भी सेरोटोनिन और डोपामिन थोड़ा इम्बैलेंस होता है आपकी बॉडी में. सो नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि नेगेटिव थॉट्स क्यों होते हैं आपके दिमाग में, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी रिड्यूस इट और हाउ कैन वी कंट्रोल इट. इसके कुछ सॉल्यूशंस तो हमें इसको समझने में ही मिल जाते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड कम खाना या डेली एक्सरसाइज करना. आप योगा कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, या एटलीस्ट 7-8-9 घंटे की नींद लेना रोज. तो ये कुछ बेसिक सॉल्यूशंस है. सो मैथ्यू लिबरमैन की एक रिसर्च है जो दिखाती है कि ट्रीटिंग योरसेल्फ विद काइंडनेस हेल्प्स यू मेंटेन द बैलेंस ऑफ दीज टू केमिकल्स इन योर बॉडी, इन योर ब्रेन. नाउ व्हाट डज इट मीन, हाउ डू यू ट्रीट योरसेल्फ विद काइंडनेस? आप एक जर्नल बना सकते हैं जिसमें आप लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या अच्छे काम किए उस दिन. And you can appreciate yourself by the end of the day by reading it again. Be thankful for small things and every day in your life. Aur ek baat hamesha yaad rakhiye, happiness is a journey. It is not a destination. So keep working towards it and keep walking towards happiness. So I hope I have simplified negativity and negative thoughts in this episode for you. If you're liking this content, then please subscribe, like, and share with your friends.